ये देखिए लड़की को ना रील्स बनाने का ही खाली भूत चढ़ा हुआ है, क्योंकि इसको यहाँ पे वाईफाई दिख रहा है, वाईफाई मिल रहा है, रील्स बन जा रहा है। जम्मू में वैसे भी नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है। आप देखिए अब हमको बोले बनाने के लिए, अब हम बनाए। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से फाइनली चेकआउट कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बाहर। सब लोग पहले ही पीछे पहुंच चुके हैं, हम लोग लेट हो रहे हैं। तो फाइनली वक्त हो चला है कि हम लोग यहाँ से अलविदा कहें। अब यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं ऑलमोस्ट, हम लोग यहाँ जाएंगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। ये देखिए मनीषा को पूरी बिजी है अभी अपना वीडियो शूट करने में, गाड़ी भी आ गई है, ये होटल की गाड़ी थी। ये लोग हमें स्टेशन ड्रॉप करेंगे, हमारी ट्रेन है बैक पीछा। बैठो बैठो जल्दी मनीषा, बात बहुत शूट हो गया, चलिए। तो अभी यहाँ पर बोलिए कि शूट भी कर दो तो रील्स भी साथ साथ शूट करोगे, दो दो डबल डबल काम है, सब लोग बैठ गए। जब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, माँ वैष्णो देवी के दरबार का दर्शन बहुत अच्छा हो गया। एक बार जाते जाते सब लोग जोर से बोलेंगे जयकारा बोल सेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। एक बार और जयकारा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं अब वैष्णो माता कब बुलाएंगे, जैसे बुलाएंगे हम लोग वैसे आ जाएंगे। और ऊपर कितना अच्छा मौसम है, बिल्कुल ठंडा, आज तो लग रहा है ऊपर स्नोफॉल हुआ है, स्नोफॉल नहीं रेनफॉल बारिश, रेनफॉल हुआ है। तो गाइस यहाँ का खूबसूरत नज़ारा भी आप देख लीजिए, कितना प्रिटी व्यू है। मैं यहाँ हमारा रेलवे स्टेशन ठीक है फाइनली। मनीषा किसको ढूंढ रही है? कितना अच्छा मौसम हुआ है, वैष्णो माता का है ना। हाँ अच्छा मौसम हुआ है, ठंडा लग रहा है, बहुत गर्मी हो रही है उधर। अच्छा चलिए तो गाइस अब फाइनली हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, जाने का तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो गाइस इसी बात पे मनीषा एक गाना गाएगी, चलो मनीषा गाना गा के सुना जल्दी फटाफट जल्दी। कौन सा गाना है अभी जो गा रही थी? अखियां के काजल, भोजपुरी गाना है पागल करेला, वक्त इसे हमारा रागी नहीं बैठेगा। अखियां के काजल पागल करेला, जानू ना मर जाईला अदा। तो कितना सुंदर व्यू है एक, आप देख सकते हैं। ए हीरो का हीरोइन ट्रॉलिया लेके चल रही है जम्मू में, भूख लग गया सिर्फ समोसा वगैरह खाए थे अर्ली मॉर्निंग। तो अभी दोपहर होने वाला है, ऑलमोस्ट 12 बज ही चुके हैं, कुछ खाए पहले अपने चैनल के लिए। गाइस मेरा भी ब्लॉग स्टेशन का एक नज़ारा दिखाते हैं। और इन लोगों की रील्स वीडियो खत्म नहीं हो रही है, तुम तो तुम्हारा यही काम है, तुम रील बनाते रहो। कॉलेज अब 4 बज जाता है, लगता है जिंदगी में सिर्फ शाम ही आ रही है। अरे तू भी 8 से 4 बजता है, इसका प्रकाश भी वहाँ पीछे भी। हाँ अब इनकी रील्स भाई साहब मतलब जवाब नहीं है। राज मनीषा सचिन को जरूर इंस्टा पे आप लोग फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी रील्स मिलेंगी आप। ये ओह माय गॉड, सो दोस्तों अब यहाँ से निकलते निकलते यहाँ देखिए मनीषा भी आ रही है, मनीषा और निशा दोनों सेम ड्रेस पहन के। आप लोग यहाँ का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, वाह पूरे काले काले बादल छा रहे हैं। ये हमारा रेलवे स्टेशन, बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो गाइस अभी हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी, लेकिन थोड़ा टाइम है अभी, 1.5 घंटा लगभग टाइम है। तो हमने सोचा कि मनीषा को थोड़ा भूख लग रहा था, कुछ खिला पिला दिया जाए ना, अभी कुछ खा पी लेंगे उसके बाद से फिर हम बाल में नज़र लग जाएगा नहीं लगता है। अरे इतना काला काला टीका लगाई हुई है कहाँ से नजर। अभी यहाँ पे हमने ले लिया है मंचूरियन और फ्राइड राइस, क्योंकि यहाँ पे हमें वही लगा कि अच्छा रहेगा खाना इस टाइम, क्योंकि बहुत हैवी भी नहीं खाना था। खैर अब इसके बाद हम लोग चलेंगे ट्रेन पकड़ने, रेलगाड़ी छुक छुक। मंचूरियन फ्राइड राइस से काम नहीं हुआ हमारा, मनीषा बोली कि थोड़ा सा फ्राइड राइस वो। मेरे को रात में बहुत तेज भूख लगी थी, क्योंकि मैं गई थी खाने डिनर में, तुम एक डोसा खा जिसमें से मैं और निशा खाई।
वीडियोस है, मैं से थोड़ा सा छोड़ी दी कहाँ से होटल वाले ने ऐसे दे दिया। रात में मुझे बहुत ही भूख लग गई थी, ऐसा टाइम में भूख लगा था कि कुछ मिलने वाला नहीं था। अभी यहाँ पर थाली मंगाया हमने मटर पनीर में, मटर भी नहीं है, पनीर भी नहीं है, दाल मखनी है जो नहीं, दाल मखनी नहीं है, पता नहीं क्या है, तो दही है। चलो ऐसा चाहिए था, सही है, अच्छा उसको वही चीज़ है, अच्छा कुछ बोले हैं। सो गाइस अब हम लोग निकल गए और मम्मी आ रहे हैं, मौसा जी और मौसी सबको लोग बैठ गए हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं हम लोग का, और ट्रेन को आने में थोड़ी लेट भी है। तो मिस्टर राज अभी अपना फ़ोन भी चार्ज कर रहे थे, अभी हम लोग चल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, घर भी जाना है लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना अच्छा सा पहाड़ियों से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, यहीं पे रह जाए। यहाँ का आप लोग नज़ारा देखो, कितना ज़्यादा ही अलग नज़ारा है, बहुत बड़ा स्टेशन है ना सुना, बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेशन है। तो चलिए देखते हैं कि वो लोग कहाँ बैठे हुए हैं, मम्मी भी पीछे पीछे चल रही है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप लोग फैमिली ब्लॉग देख रहे हो मम्मी के साथ का भी, सबके साथ का भी, मेरे को लगा कि यार आप लोग को अच्छा लग रहा है, अब हम खुद से ब्लॉगिंग करेंगे, मैं ब्लॉगिंग करूँगी खुद से, देखती हूँ। सो गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है, मम्मी और मनीषा भी हमारे साथ है। आप सोच रहे होंगे बाकी लोग कहाँ हैं, तो बाकी लोग पहले ही जा चुके थे, हम लोगों को फ़ोन थोड़ा चार्ज करना था और वहाँ इंटरनेट भी मिल रहा था, रेल वाईफाई रेल वायर का। तो अभी हमारी ट्रेन यहाँ पे है, ट्रेन है दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा, निकल रहे हैं जम्मू तभी के लिए, जम्मू में फिर अब खाना पीना खा करके फिर थोड़ा सा घूम फिर लिया जाएगा, और उसके बाद रात को 11 बजे ट्रेन हमारी। अब हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, साइट पे सिर्फ 6 लोगों का रिजर्वेशन एक आईडी पे हो सकता है, तो 4 लोगों का मैंने किया हुआ है, मैंने अब मनीषा का, निशा का, और यहाँ पे बैठा हुआ है सन्नी, तो 4 लोगों का हमने कर लिया है खुद से, और 4 लोगों का सन्नी किया, तो उनका भी 95, 96, 97, 98 बर्थ है पिछले वाले डब्बे में। बस चलिए अब यहाँ से चलते हैं, अब जम्मू उतर के आप लोगों को जम्मू का नज़ारा दिखाएंगे। सो गाइज अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, ट्रेन ऑलरेडी चलना स्टार्ट कर दी है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और यहाँ पर ये हमारे सेठ जी हंस रहे हैं, बहुत अच्छा जीव है इनका, और ये दोनों तो उतर के थोड़ी जाना था, अंदर ही अंदर जाना था, अभी भी तो जा सकते, अभी भी जा सकती हो, मम्मी पापा पीछे वाले डब्बे में है तो इसको पानी बॉटल लाना था, मगर अंदर ही अंदर चले जाए। नहीं नहीं बाद में देख रहे हो गाइस, कैसे खुरापात आइडिया दे रही है, पट पिटना चाहिए इसको। और यहाँ पर ये देखिए साचे दरबार की जय, माता रानी का यहाँ पे भवन है इसी पहाड़ी पे, त्रिकुटा पर्वत। जय माता रानी, जय माँ शेरावाली, जय माँ वैष्णो देवी। मनीषा कह रही है मेरे को विंडो के पास बैठना है, बैठोगी विंडो के पास? हैं मुंह देखी हो, मुंह देखी हो, देख कभी तो आया है आज, कौन सी में शीशा टूट गया होगा। जय माता दी, जय माता दी। बन रहा है देखो ना, दिस इज द टनल, फर्स्ट टनल, अगर हम सरस्वती आते टाइम इतना लंबा नहीं था ना।
आने वाला रास्ता अलग है, यही है तो पता नहीं चला। बहुत तंग टनल, बहुत तंग टनल। अभी मेरे को लग रहा है कि एक डेढ़ मिनट से इसी टनल में हम लोग घूम रहे थे भाई। जल्दी नेशनल दिल्ली आइएगा आप, जम्मू से ट्रेन में आना, बहुत मज़ा आता है, ट्रेन का एक अलग आनंद होता है। फाइनली फाइनली गुफा ख़त्म हुआ भाई। और आने वाला ट्रैक यही है, सिंगल लेना है, डबल है, यही है, सिंगल लेना है। मनीषा खिड़की पे हमको हटा के बैठ गई है, कब्जा कर ली। ये लेकिन सिंगल ही दिख रहा है, आप लोग समझ सकते हो ये क्या क्या कर रही है, देख रहे हो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, कौन है, कहाँ से आते हैं। तो अभी हम लोग उधमपुर पार कर चुके हैं गाइस, अभी भी ट्रेन में है, स्टिल इन ट्रेन, आई थिंक अनदर वन आवर एंड वी विल बी एट जम्मू। कहेगा चार तारीख बोलो, करेजवा के करेजवा के राइट बोली है, एकदम डायलॉग परफेक्ट। देख रहे हो, समझ रहे हो, इसको कितना ऐश आराम सुकून चाहिए, मतलब मैं क्या बताऊँ, इसको पूरा उतना निशा का गोद नहीं दिख रहा, इसको मेरा ही दिख रहा है। और गाइस हंसते खेलते मुस्कुराते हुए हम लोग आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए, पसीने पसीने से लथपथ होकर के। और ये स्टेशन है हमारा जम्मू तवी, तवी एक नदी का नाम है, तावी नदी है यहाँ पर, और इसलिए यहाँ पर जम्मू तवी तक यहाँ पर अभी तो प्लेटफॉर्म का वो दिख रहा है। पहुँच गए जम्मू, थोड़ा जम्मू खाएंगे पियेंगे घूमेंगे उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस अभी हम लोग जम्मू उतर चुके हैं, और जम्मू उतरने के बाद हो गया बुरा हाल, अभी हमने फिलहाल क्लॉक रूम में कुछ सामान रखा है क्योंकि हमारी थोड़ी देर बाद की ट्रेन है रात की। तो अब मनीषा यहाँ पे घूम रही है, हाँ जमा हो गया, अच्छा बाबू को देख रही थी ऐसे देखो। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करते हैं कि आप सबको यहाँ हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, खूब सारा शेयर, और अपना प्यार बस ऐसे बना रखना। बहुत भारी, अब नया ब्लॉग फिर स्टार्ट करना होगा क्योंकि हमारा कटरा से जम्मू तक का सफ़र बस यहीं तक था, और अब हम लोग आ चुके हैं जम्मू, ये भी सिटी ऑफ टेम्पल्स कहलाती है, तो यहाँ के भी कुछ झलके आपको दिखाएंगे, बने रहिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मुस्कुराते हुए नेचर के साथ, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, जय हिंद।